Want to study in Germany? Then Excella is the best option. Admissions with scholarships available. Call 9888196666. Breaking news. Chhattisgarh Dantewadlo Maoistla ghatakam. Dantewadlo mandu patra pelchina Maoistlo. 11 mandi policelu mrutchindaru. Marikondariki gayalainattu samacharam antondi. Mrutulu DRG vibhaganiki chendina policeluga gurtincharu. Chala kalam tarvata Maoistlu ఈ ఘాతకానికి పాల్పడ్డారు. దంతెవాడలో మందు పాత్ర పేల్చి మావోయిస్టులు 11 మంది పోలీసులను హతమార్చారు. జిల్లా దంతెవాడకి తన అరణపూర్ క్షేత్రం పూర్వ హిడుమా ఇలాకమే దర్బడీష్ మావోది కెడ్స ఉపస్థితి సూచన పర్ దంతెవాడ డిఐజి ద్వారా ఏక్ అభియాన్ సంచాలిత కి గయే థే. అభియాన్ కే పశ్చాత్ తబ్ జిల్లా ముఖ్యాలయ దంతెవాడ వాపస్ లౌటా థే. ఇస్ దౌరాన్ అరణపూర్ ఏం సమ్మేళన కే బీచ్ మే DRG गाड़ी को ID के माध्यम से महोदय द्वारा टारगेट की गई. उस घटना में हमारे एक वाहन ID के चपेट मार लेते. उसमें 10 DRG जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर कुल 11 लोग का शहादत हो गई. अतिरिक्त इन्फोर्समेंट पार्टी CIPFM DRG घटनास्थल पहुंच गई है. अभी घटनास्थल से सभी शहीदों का बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है. स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं. अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सकता है. घटना हुई है और अमित शाह ने जो है मुख्यमंत्री से बात किया, क्या जानकारी आपके पास निकल करके आ रही है? मेरे पास अभी जो प्राप्त जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी, अनरनपुर थाना क्षेत्र का मामला है. वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी. DRG के जवान रवाना किए गए थे, सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो ID ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है. कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं, 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है. एक्स्ट्रा फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है. कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी. क्या कारण लगातार इस तरीके से अब नक्सली जो हमला कर रहे हैं? नहीं, लगातार हमले नहीं हुए हैं, लगातार हमला कहना उचित नहीं है. नक्सली हमले को हम लोग हमेशा नाकाम करते गए हैं और उनको खदेड़ने में कामयाब हुए हैं. 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं. बीच बीच में एक आध दो घटना होता है जो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए दिख जाता है. लगातार गृह मंत्री जो अमित शाह है वो नजर बना बैठे हैं, किस तरीके से जानकारी आपके पास आई है? अभी अलग से कोई जानकारी नहीं है. जो जानकारी होगी भी तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो काफी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उसको ऐसे अवसर पर सार्वजनिक नहीं किया जाता.